कैसे हैं आप लोग? एशिया कप 2023 और वर्ल्ड कप 2023 के जो वेन्यू को लेकर एक जो जंग है वो जो लगी हुई है और अभी तक लगी हुई है, यानी कि एक वार पाकिस्तान की तरफ से होता है और दूसरा वार होता है जी इंडिया की तरफ से। इंडिया की तरफ से हर झूठे वार ज़्यादा हो रहे हैं। इधर मैं आपको बताता चलूँ कि जी एक खबर आई है इंडिया की तरफ से कि एक सामने एक बात आई है कि जी इंडिया का जो मीडिया है उन्होंने एक ऐसी खबर चला दी है जिससे जो इंडिया का जो क्या कहते हैं जो फैंस हैं ना और इंडिया के जो रहने वाले हैं बहुत ज़्यादा झूम रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया, यानी कि जो इंडियन मीडिया यानी कि किस हद तक अब गिर चुका है और जो हमारे इधर पाकिस्तानी हैं यानी कि पाकिस्तानी जो फैंस हैं उनमें हर एक गम की लहर एक यानी कि फिर रही है कि अब क्या होगा, यानी कि इसके बाद अब क्या होगा। तो देखें जी, बात यह है कि जी इंडियन मीडिया की तरफ से पहले भी ये न्यूज़ चली थी कि अगर पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं मानता और श्रीलंका में जाके मैच नहीं खेलता और पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं आता तो इंडिया उस आड़ में इनके एशिया कप चैम्पियन ट्रॉफी के जो उनसे राइट्स हैं वो पाकिस्तान से छीन लेगा। ये खबर चलाई थी जी इंडियन मीडिया ने और उसके थोड़ी देर बाद के बाद जी एक हफ्ते बाद इंडिया ने अब ये न्यूज़ चला दी है कि जी पाकिस्तान को चैम्पियन ट्रॉफी के होस्टिंग राइट से मरहूम कर दिया गया है। तो आप ये हिसाब लगा लें कि इंडिया मीडिया किस हद तक गिर सकता है और मैं आपके सामने ये कुछ बातें रखता हूँ तो उससे आपको यानी कि साबित हो जाएगा कि इंडिया कितनी कितनी झूठी खबरें फैलाता है। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि नजम सेठी साहब वो चार मैचेस क्यों चाहते थे पाकिस्तान में। उसकी वजह ये थी कि अगला जो इवेंट आ रहा था यानी कि चैम्पियन ट्रॉफी 2025 वो पाकिस्तान में होने हैं और ये मैचेस इसलिए ज़रूरी हैं ताकि पाकिस्तान के लिए रास्ते खुलें, इंटरनेशनल जो क्रिकेट है मुकम्मल तौर पर बहाल हो पाकिस्तान में। आपको पता है 1996 में पाकिस्तान ने यानी कि वर्ल्ड कप पहले होस्ट किया था। अगर ये चैम्पियन ट्रॉफी हो जाती, एक बड़ा इवेंट है, एक बड़ा मैच है, यानी कि एक बड़ी यानी कि वर्ल्ड कप की यानी कि कंपेयरिंग में है ये दोनों चीज़ें ना, तो ये होना था कि पाकिस्तान में T20 वर्ल्ड कप भी शुरू हो जाने थे, पाकिस्तान में वर्ल्ड कप भी शुरू हो जाना था ODI, तो रास्ते खुलने थे और यानी कि फिर पाकिस्तान को एक ब्लैक लिस्ट से दूर कर दिया जाना था। खैर अभी भी पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट से दूर हो चुका हुआ है, किसी किस्म की कोई यानी कि कमी नहीं रहेगी। और आपको याद है इंडिया ने ये भी बोला था कि इन्होंने खबर चलाई थी कि जी पाकिस्तान में जो ICC के जो चेयरमैन है वो पाकिस्तान को धमकियाँ लगाने आए थे कि चुप करके ना इंडिया की बात मान लो वरना आपसे जो भी है ना हमने हर किस्म के रेवेन्यू आपको देना ख़त्म कर देने या किसी किस्म के आपके यानी कि आपको ख़त्म ही कर देना, यानी कि अलग ही कर देना आपको, फिर आप ना PSL खेलते रहना अपना। तो इंडिया ने देखे ये गलत कैसे यानी कि खबर चली। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो चेयरमैन है ना ICC के वो पाकिस्तान के साथ हैं भी खड़े हुए, क्योंकि नजम सेठी साहब ने फैक्ट्स पे बात की है, उनके सामने बातें रखी हैं कि देखिए हमारे ना सिक्योरिटी का इशू है, जितनी भी टीमें आई हैं पाकिस्तान में एक बंदा दिखा दें जिसने जी कहा होगा जी हमें पाकिस्तान में यार सिक्योरिटी का इशू है हम नहीं अगली दफ़ा जाएंगे। और उसके बाद नजम सेठी साहब ने सारा यानी कि उनको एक लाहौर का जितने भी सिक्योरिटी अदारे हैं उनके सारा उन्होंने विजिट करवाया कि कितनी सख्त सिक्योरिटी है कि उधर यानी कि जो भी जो बंदे आते थे यानी कि जो खिलाड़ी आते थे दूसरी टीमें आती थी वो उनको इतनी सिक्योरिटी फ्राहम की जाती थी जितनी प्रेजिडेंट को भी नहीं की जाती। तो इस पर बहुत अप्रिशिएट किया था चेयरमैन साहब ने और इस पर वो स्टैंड भी ले रहे हैं इंडिया के साथ, लेकिन इंडिया क्यों बताएगा, वो तो बस अपने लोगों को खुश करना चाहता है। ये देखें ये न्यूज़ इंडिया ने चलाई और ये आपके सामने है बिल्कुल कि इन्होंने जी लिखा है कि 2024 और 2025 का जो वेन्यूज़ है वो चेंज हो चुके हैं, चैम्पियन ट्रॉफी के और 2024 की जो क्या कहते हैं T20 वर्ल्ड कप उसके वेन्यूज़ चेंज हो चुके हैं। और मैं आपको इधर बताता चलूँ उन्होंने ये भी लिखा है कि जो चैम्पियन ट्रॉफी है 2025 जो पाकिस्तान में होनी थी, खैर उनको पैसे मिलेंगे पाकिस्तान को लेकिन ये होगी USA में और वेस्ट इंडीज़ में। इससे पहले अगर आपने खबर देखी हो कि जो वेन्यू चेंज हुआ है ना USA से और वेस्ट इंडीज़ से, उधर टाइम का बहुत ज़्यादा इशू था, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, खैर उन्होंने डिस्कस नहीं था किया लेकिन मैं आपको बताया टाइम के इशू की वजह से वो वेन्यू चेंज कर दिया गया, इंग्लैंड में शिफ्ट कर दिया USA और वेस्ट इंडीज़ वाला, और उनको बोला कि 2030 में आप कर लीजिएगा होस्ट, अभी यानी कि इनको करने थे इंग्लैंड को। और आप मुझे एक बात बताएं, अब इंडिया कह रहा है कि जी जो उनसे क्या कहते हैं जो चैम्पियन ट्रॉफी है वो अब उधर होगी, यानी कि वो कह रहे हैं वो अब वेस्ट इंडीज़ और US में होगी। आप मुझे बताएं कि अब टाइम का इशू नहीं आ रहा? इधर से पता लगता है कि कितने ये झूठे हैं इंडिया मीडिया, और हमारे पाकिस्तान मीडिया को भी वैसे ना सल्यूट है कि किसी किस्म की कोई खबर की तस्दीक किए बगैर उसको कॉपी पेस्ट करके तो चला देते हैं ये। और भाई तस्दीक को करो कि ऐवें बस यानी कि कोई इंडिया ऐवें बस खबर छाप देता तो हमारे पाकिस्तान मीडिया का भी काम है कि जी साथ ही जी चला दो।
मैंने कहा यार तस्दीक तो करो। और मैं आपको बता रहा था कि अब क्या इशू नहीं हो रहा टाइम का, अगर चैंपियन ट्रॉफी उधर हो रही है यूएस में और सब कॉन्टिनेंटल जो टाइम है उनका इशू आ रहा है, क्योंकि 8 घंटे इंडिया आगे है और पाकिस्तान का भी यार आधा घंटे का फ़र्क है, और अब क्या इशू नहीं आ रहा। तो ये चीज़ ज़रा देखें, और इंडिया बस ना पाकिस्तान को ना और पीसीबी को बस प्रेशर में लाना चाह रहा है किसी तरीके से कोई इस तरह का ये डिसीजन ले ले ताकि जी हर किस्म का ना पाकिस्तान से रस्ते ख़त्म हो जाए। तो बात ये है कि कोई चैंपियन ट्रॉफी के होस्टिंग नहीं छुट्टी, और पाकिस्तानियों आप भी ज़रा ठंडे हो जाओ, और इंडिया इंडिया और इंडिया की जो आवाम है यार, बस यार क्या कहें आपके मीडिया को, बस छोड़ ही देंगे बात। बाकी देखते हैं जी आगे क्या सूरत हाल बनती है एशिया कप की। उम्मीद है इंशाल्लाह पॉजिटिव रिस्पांस आगे आएंगे, और बड़ी बड़ी गलत न्यूज़ चली हैं जिससे आवाम बहुत ज़्यादा गुमराह हो चुकी है, लेकिन उम्मीद है मुझे कि आगे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस आने लगे, इसलिए ठंड रखें। अच्छा जी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।